दीदी भी आ रही है, बहुत घर। ये है मेरी नानी लोगों का पुराना घर, ये देखो। और ये हाई फ्रेंड्स, मैं मानसी मेंदोला देवभूमि उत्तराखंड कोटद्वार से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपनी नानी के गांव में आई थी, कुंजोली गांव में। तो आज है 8 जून, तो सुबह के समय हम लोग गए थे देवी के मंदिर में। आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, हम लोग जा रहे गिवेली गाँव में। तो ये मेरी नानी का गाँव है, जैसे कि कुंजोली गाँव, तो मतलब एकदम हाइट में है मेरी नानी लोगों का जो पुराना गाँव है गिवेली गाँव। तो मैं वहीं जा रही हूँ और मैं अपनी नानी का ना जो पुराना घर है मेरी मम्मी लोगों का, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो और जो है, जो मैं इसलिए यहाँ आ रही हूँ क्योंकि यहाँ है भैरव की पूजा, वो मैं आपको क्या पता वहाँ जाके स्टार्ट हो गई कुछ पूजा, तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो आज का सफ़र है और आज का ब्लॉग दिखेगा आप लोगों को कुंजोली गाँव से गिवेली गाँव तक का सफ़र। तो अब चलते हैं। जैसे कि शाम हो गई है ना, तो तकले नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये रहा रास्ता। तो हम लोगों को इतने पतले वाले रास्ते जाना है, मेरी दोनों बहनें गुरुशी और दिव्या मेरी मौसी की लड़की वो लोग चले गए, मम्मी लोगों ने कहा वो थोड़ी देर के बाद आएंगे, तब तक तुम लोग चले जाओ। मम्मी लोगों का हमको तो भाई आदत है कच्चे रास्ते में जाने की, तुम लोग नहीं चल पाओगे। और ये देखो ये रहा, और यहीं पर ही नदी है, और ये रहा पुल जो जोड़ता है गाँव के लिए, मतलब कुंजोली गाँव के लिए गिवेली गाँव तक के लिए। तो अब चलते हैं, चलो। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम इतना हाइट में आ चुके हैं, अभी और हाइट में हम लोगों को जाना है। तो पहले मेरी मम्मी लोग गिवेली गांव में ही रहते थे, उसके बाद यहाँ जो कुंजोली गांव आप लोगों को दिख रहा है, तो मेरी मम्मी लोग यहाँ आ गए थे। और मेरी मम्मी लोगों ने स्कूल वगैरह सब, मतलब पहले का घर मम्मी लोगों का वहीं था, तो मम्मी लोग इतने दूर से आते थे यहाँ पढ़ने के लिए कुंजोली गाँव में, और ऊपर से ऐसे रास्तों में। मेरे सांस इतने में फूल गई है, और सारा सामान वगैरह मम्मी लोग, मतलब जैसे कि लेंसी डॉन है मेन मार्केट, वहीं से लाते थे और कैसे चलते थे, और हम लोग तो इतने में थक गए। दीदी भी आ रही है, बहुत गर्मी हो रही है, नीचे छाव थी पर यहाँ पे धूप आ चुकी है, और यहाँ पे हम पसीने से हमारा बुरा हाल हो चुका है। रास्ते भी गाइस देख लो कैसे एकदम पत्थर ही पत्थरों में चलना है, और ये पांच मतलब ये 2 कदम चल रही फिर बैठ जा रही। फ्रेंड्स, हम लोग ना बहुत ज्यादा हाइट में अब आ चुके हैं, मैं आपको चलो दिखाती हूँ। ये देखो गांव कितना नीचे रह गया है, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे मौसम लग रहा है, और धूप देखो कितनी तेज हो रखी है, ये देखो। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था ना कि मम्मी भी आ चुकी है, अब थक लग गई। हेलो गाइस, मम्मी का थायराइड साफ 0 पॉइंट में आ गया, इतनी लंबी चढ़ाई में मेरा शक्ल चेहरा देख ही रहूंगी। हम इस चढ़ाई में जा रहे हैं, थोड़ा सा रह गया गाँव जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाऊंगी तब मैं गिवेली गाँव। और तो चलो, मम्मी ये बैग वगैरह लेके आ रखी है, और मेरी नानी भी पीछे की तरफ से आ रही है, तो नानी से भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। वहाँ पे कुछ लोगों के साथ नानी जैसे की बात करने लग गई है, और तो चलते हैं आगे। मम्मी, ये कौन सा गांव है? दो रास्ते है, एक तो छोटी मठाली का है, हाँ, हमारे गांव का रास्ता वो है, और हम लोग ना गलती से दूसरे रास्ते आ गए, दूसरे रास्ते ये आ गया, इनको पता ही नहीं था रास्ता किधर है, ये दूसरा रास्ता, हम रास्ता भटक गए, पहुँचना वही है, बट ये थोड़ा लंबा हो गया, चढ़ाई है इधर ऊंची, हमारे गांव की तरफ देख लो सीधा रास्ता है ये, एकदम देख सकते हैं आप, एकदम ज्यादा टफ नहीं है, बट ये उर्वशी लोग ना मेरे को इस रास्ते आगे, मैं उनको कह भी रही थी कि ये वाला रास्ता मुझे याद था, नहीं दीदी इधर ही है। चलो कोई बात नहीं, हो जाती बच्चों से गलती। और ये मेरी नानी भी आ गई है, डंडा पकड़ते पकड़ते नानी से मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। गाँव देखो लमराड़ा गाँव है, उधर दिख ये वाला लमराड़ा, अच्छा एक कुंजोली गाँव आ गए, हाँ कुंजोली, मैंने जमीन नानी लोगों का गाँव मैंने आपको दिखाया होगा, है नानी। हाँ, भैरव मंदिर में, हाँ, हाँ, जागरण रात को, हाँ रात को जागरण है, हम कीर्तन भजन करेंगे, हाँ मंदिर में हम कीर्तन भजन करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेगा। फ्रेंड्स, ये है मठाली गांव, और छोटी मठाली बोल रही है मम्मी गांव का नाम, और ये रहे
घास देखी काट के रख रखा है किसी ने, ये देखो। यहाँ पे मामी यहाँ पे घास काट रही है। नानी और क्या हाल चाल आपके? अरे क्या होना यार, आज आप रिकॉर्ड हो रहे हैं यार। मामी है, परेशान हो रही घास की। हाँ जी, खड़ी काट रहे हो? खड़ी पेड़ काट रहे हैं, जा भी नहीं पा रहा हूँ, लड़के से कटवाया। अच्छा हाँ, पेड़ देखो कितना पेड़ हो रहा है, चढ़े होंगे ना पेड़ में काटने के लिए। लड़के आए तब उसने कटाया। हाँ ठीक है, तब ये दोनों के दोनों ये भी काटो तब आप, हम चलते हैं दोस्तों, चलते आगे। यहाँ पे देखो बाछी है, रुक जा अभी नानी बताएगी रास्ता, फिर भटक जाओगे। ये देखो बाछी रही, उसकी मम्मी देखो कैसे देख रही है हमको, देखो बाछी की मम्मी गाय कैसे देख रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं हमारे गांव में, मम्मी लोगों का जो पुराना गांव है गिवेली गांव, वहां जा हो रही है भैरव। मठाई गांव से आप पहुंच गए मित्र, ये अब हम वो राम मंदिर भैरव का मंदिर है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आज जो भी प्रोग्राम होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गिवेली गांव। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली देखने के लिए मिली, मैं तो सारे रास्ते में ही थी। ये देखो और लोग देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ रखी है, लोग आ रखे हैं काफ़ी यहाँ पे। तो चलते हैं, और हम लोग काफ़ी लॉन्ग कट वाला दूसरे रास्ते से आ गए, नहीं तो अब तक हम पहुंच जाते, गलत रास्ता में आ गए हम। ये देखो केले के पेड़। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गिवेली गांव में, ऊपर की तरफ है मंदिर भैरव का मंदिर, वो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। नानी बोल रही थी जैसे कि वहां पे जागरण है, तो चलते हैं अब आपको दिखाते हैं मम्मी लोगों का बचपन जहां बीता है, और मम्मी का जो पुराना घर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जहां मम्मी लोग रहते थे। मम्मी ने पूरा बचपन अपना वहीं बिताया है, पूरा 12th मम्मी ने वहीं करा, उसके बाद दूसरे गाँव में चले गए थे, वो कुंजोली गाँव में। ये देखो ये घर काफी अच्छा दिख रहा है, और ये देखो ये पुराने घर होते जैसे कि ना पहले, ये देखो ईंटें पत्थरे सारे जो घर बंजर यहाँ पे हो गए। देखो काफी लोग आ रखे हैं, इधर से जाना है ना अपने घाट, चलो हम दूसरे रास्ते। नानी के लिए देख रहे स्वागत हो रहा है, सहेली पक्की सहेली दे। बहुत टाइम के बाद मिलना हो रहा है नानी का अपने दोस्तों से। तो चलते हैं आगे। फ्रेंड्स हम लोग गिवेली गांव पहुंच गए, और ये है मेरी नानी लोगों का पुराना घर, ये देखो, और ये रहे मेरे मामा। मामा हाय बोलो। हाय हाय। तो आप मामा दिखाएंगे हमको अपना पुराना घर है। देखो देखो मामा हमसे ना पहले पहुंच गए, मामा हमसे ना लेट थे, हम पता मामा गलत रास्ते आ गए। कौन से रास्ते? मठेरी क्या है वो गांव, हम उधर के रास्ते लंबा आ गए, हम इस वजह से हमको लेट हुई, और मम्मी वहां पे चली गई, मम्मी को कुछ दोस्त मिले, मम्मी के उनके साथ बात करने का। तब तक मैं आपको
ये घर दिखाती हूँ मम्मी लोगों का, पुराना घर। यही सारा बचपन मम्मी लोगों ने यहीं बिताया है। और मेरे मामा तो अंदर चले गए घर के देखने के लिए कि पहले की सारी जो चीज़ें याद आ गई है। और यहाँ दिव्या बैठ रखी है, तो चलते अब आपको भी दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी नानी का पहला घर और पुराना घर यही है। फ्रेंड्स, ये मेरी नानी लोगों का पुराना घर, और जैसे कि आप जूते चप्पल देख रहे होंगे क्योंकि नानी लोगों का जो पुराना घर है वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं। और ये नानी लोग अंदर का कमरा दूसरा। संधन काफ़ी लोग सो रखे हैं तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही, तो आपने थोड़ा बहुत तो देख ही दिया होगा। और नीचे की तरफ भी कुछ कमरे हैं, पर अब बहुत बुरा हाल हो चुका है, सिर्फ ऊपर के दो ही कमरे ठीक है। और ये मेरी मम्मी लोग का जो पहले का पुराना खेत है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। मम्मी, पहले यहाँ पे कितने कमरे थे? अच्छा, ये कमरे तो बिल्कुल ही मैंने भी नहीं देखा आज तक, बंद ही होता है ये हमेशा। और ये केला, ये देखो, ये एक कुछ घर पड़ोसी। हमारे गांव के घर देख लो क्या हो रहा है, कि गांव की हालत, गांव में पूरा पलायन हो गया है, सब लोग चले गए, इतना अच्छा मकान था ये पूरा टूट गया। अब मम्मी 25 साल कम से कम हो गए मम्मी लोग की शादी को भी, और फिर भी 25-26 साल। हाँ, और पहले बहुत अच्छा था भाई, तो बस अभी हुआ है 25-26 साल के बीच में पूरा खा रहे। और अगर ये अच्छे से करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ये घर ना, और काम वगैरह करवाते तो अच्छा। और जस्ट घर के सामने दूसरा घर, मस्त पड़ोसी और कुछ घर यहाँ पे भी है। तो ये देखो, पहले की जो देली होती थी ना बहुत ही ज़्यादा छोटी हाइट की होती थी, झुक के गई मम्मी अभी खोलने के लिए, सभी झुक के जाते रहे होंगे। और ये देखो पहले की, और ना इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें खड़ी हो रखी ना, सर टकरा रहा है। ये देखो रब के हाल हो चुका है। अरे ये क्या होगा, चूल्हा ये? और ये देखो यहाँ पे चूल्हा भी है। अरे देखा, मेरी मम्मी बोल रही कि टॉर्च जला, मैंने टॉर्च नहीं जला रखी थी। ये देखो, तो आप लोगों ने देखा होगा मम्मी लोगों का पुराना घर, और ऊपर से देखो यहाँ पे पेंट हो रखा है गोबर। मम्मी गोबर से ये पो मतलब लगा के गोबर से ये देखो, मतलब इस मकान को 100 साल हो गए होंगे, और ये छत की लकड़ी देखो ऊपर, लकड़ी वैसी की वैसी है, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं है, एकदम नया ही जैसा लग रहा है। और कमरा देखो कितना बड़ा है, काफी अच्छा था मम्मी। तो हम लोगों के लिए तो मामा को बोला था यहीं कहीं रहता था कमरा, यहाँ पे सही था सोने के लिए, बट काफी सही कर रखा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पुराना मकान ये देखो, तो पिद्दू साई है डेली, देखो जरा कितनी। तो दोस्तों, यहाँ मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, ये फल मम्मी भी बोली थी, दोनों कमरे एक ही तरह ही है सेम, तो मम्मी इसको नहीं खो रही, एक ही दिखाया मम्मी ने। और वहाँ पे देखो मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा लग रहा है, किसकी का छत्ता है? वहीं बोली शहद वाली मधुमक्खी है, ये पहले टाइम से इन्होंने शहद बनाती थी अपना। ये देखो, फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी नानी का जो पुराना घर है वो देख दिया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं भैरव पूजा में आ रखी हूँ, तो अभी रात हो गई है,
थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो मंदिर है भैरव का मंदिर, वहाँ पे कीर्तन होने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रात को वहाँ पे खाना खाने के लिए। गांव में मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो अब चलते हैं। चलो ये मम्मी लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे रात के खाने की अब तैयारी यहाँ पे होने लग गई है। और यहाँ पे ना सारा का सारा जो खाना है यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद जब सारा खाना बन जाएगा तब यहीं पर ही हम लोग बैठेंगे। और यहाँ पे बन रही है रोटी, सबके साथ बहुत सी लोग यहाँ पे बना रहे हैं। आप भी देखो। हेलो हेलो, हाय, ठीक ठाक? सब बढ़िया है, बैठ रहे अभी। ये तो मैं आ गई। हेलो बोलो सबके साथ। ले जरा कोई पसीने से भी तर हो जाओगे, कमेंट करना। कुंजली गाँव का ब्लॉग वायरल करना। लोग वाला जिम कह रही आया कि वहाँ लड़े लेते गगन में। आप रह गए यार, आप तो मेरे पीछे थे यहाँ पे। इधर देखो, उस इधर देखो, बस आप भी दिख गए। आप मेरे पीछे थे, देखा ही नहीं। और यहाँ पे सारा खाना बन गया आगे। अच्छा, रोटियाँ रह गई अपना। हाँ तो देखो आप लोग, हमने देख जैसे कि देख दे होगा कि यहाँ पे रोटी बन रही है। और देखते हैं खाने में क्या क्या यहाँ पे तैयारी हो रखी है। अच्छा, आटा भी ओल के रख रखा है एडवांस में। हाँ जी, इसमें ये चावल है। हाँ, अच्छा रात का खाना देखिए, चावल है, हलवा। अच्छा, बड़े बड़े पतीले में है सबके लिए, बहुत सारे लोग। इसमें है सब्जी। हाँ, आलू सूखा मिर्च। हाँ जी, ना? इसमें है पनीर। पनीर भी हो भाई। और वहाँ पे क्या कल के लिए? अच्छा, कल सुबह के लिए। तो रात के लिए यहाँ पे सारा देख दिया होगा आप लोगों ने। और कल सुबह के लिए भी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, हम और हम कुछ नहीं कर रहे, उसे वेट कर रहे हैं कब खाएंगे। हमारी सारी लड़कियाँ हैं। हाँ, मिलजुल के हैं, मिलना भी हो गया सबको इसी बहाने। सब लड़कियाँ हमारी। आप पीछे पीछे देख रहे हो कि मैं नहीं दिख रही। नहीं नहीं, हाँ। हेलो गुलाब जी, ये मेरी बहन है। हाँ जी, ये हमारा खाना बनाने वाले। अच्छा, इन्होंने बनाया खाना। अच्छा, आपने बनाया खाना जी। यहाँ पे काजू बादाम है, उसके लिए हलवा के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हो आप सुबह के लिए। हाँ जी, कब से बना रहे हो आप खाने, तभी बता दो ना। कल से बना रहे। अच्छा, तीन दिन का है ना, तीन दिन आप ही बना रहे हो। अच्छा, और कौन कौन है? देखो पुराने घर, बट अब थोड़ा सीमेंट वगैरह कर रखा है, बट लुक काफी अच्छा है यहाँ पे गाँव का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब खाना ना स्टार्ट हो चुका है रात का। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने खाना भी ले चुका है अपने के लिए। तो अभी अभी मम्मी भी बनाने लग गई है रोटी, और मैं जैसे ही खाना खा चुका है, गर्मा गर्म रोटी। ये दूसरा शिफ्ट है, पहला शिफ्ट थक गया था, अब दूसरा शिफ्ट यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखते हुए, अभी अभी हम लोगों ने जैसे कि रात का खाना खाया है, और अभी थोड़ी देर के बाद होने वाले हैं कीर्तन। जो कीर्तन होंगे यहाँ पे भैरव मंदिर है, थोड़ी देर के बाद कीर्तन। तो जो आप कीर्तन है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। मैं छोटी छोटी इनकी क्लिप्स बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो आप लोग को क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है कीर्तन का, तो आप लोग उसको पक्का देखना। ओके, बाय।